हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्री सर्किट लैब। दोस्तों, ये बोर्ड को मैंने एक होम थिएटर से निकाला, उसके बाद इसको रिपेयर किया पिछले वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें मैं दो फीचर को लगाऊंगा। एक है बेस का कंट्रोल, जो उस होम थिएटर में नहीं था, तो मैं इसमें बेस का कंट्रोल लगाऊंगा एक पॉट से, और आपको एक बैलेंस का कंट्रोल लगा के दिखाऊंगा कि इसमें लेफ्ट और राइट चैनल का दोनों का वॉल्यूम कैसे बैलेंस करें। मतलब लेफ्ट चैनल का चाहते हैं कि लेफ्ट चैनल का स्पीकर ज़्यादा साउंड पे बजे और राइट चैनल का थोड़ा कम साउंड पे बजे, ऐसे आप एडजस्ट कर पाएंगे दोनों चैनल के अंदर साउंड को, ठीक है। तो ऐसे आपका बैलेंस के लिए एक पॉड लगाना होगा। तो ये दोनों कनेक्शन को कैसे मैं करूँगा वो आप देख लीजिए इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बेस का कंट्रोल लगाने के लिए आपको पहले देखना होगा कि बेस कहाँ से आती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बीच में एक छोटा आईसी है, 4558 का आईसी, 4558 है ना। इस आईसी से आपका बेस मिलता है। ये एक लो पास फिल्टर का आईसी है, तो ये बेस ओनली बेस को फिल्टर करता है, ठीक है। तो इस आईसी से बेस जाके इस आईसी में जाती है और इससे एम्पलीफाई होके ये इससे ऊपर का आउटपुट में जाता है, ठीक है। तो इस आईसी से इस आईसी के तरफ जो कनेक्शन है उसके बीच में हमें ये पॉट को लगाना है ताकि हम बेस को कंट्रोल कर पाए, ठीक है। तो इस आईसी से जो आउटपुट आ रही है वो इस आईसी के इनपुट में जा रही है, तो उस ट्रैक को हमें फॉलो करना है। तो देखिए, इधर आपको वो ट्रैक मिल जाता है। इस आईसी का जो एक और दो नंबर का पिन एक साथ शॉर्ट होगी, देखिए यहाँ पे जो कटा हुआ फाक है इसके बगल में लेफ्ट साइड में आपका एक नंबर का पिन स्टार्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक नंबर का पिन, उसके बाद दो नंबर, तीन चार, उसके बाद ये पाँच छः सात और आठ, ठीक है। तो एक और दो नंबर का पिन, ये दो एक साथ शॉर्ट रहेगी और ये दोनों है इसकी आउटपुट। तो यहाँ पे देखिए, ये दो पिन शॉर्ट मिलता है आपको, एक और दो नंबर का पिन, तो वो कनेक्शन जा रही है एक कैपेसिटर पे। तो यहाँ पे देखिए, ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का जो आउटपुट मतलब माइनस का पिन वो जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ से पिन डायरेक्ट चली जाती है इधर जाके, इधर एक पॉइंट में लगती है, ठीक है। उसके बाद इससे देखिए एक जम्पर कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे देखिए एक जम्पर है, उस जम्पर से ये कनेक्शन आके उसके बाद वाले जो पिन है उसमें आ जाती है। उसके बाद ये इस ट्रैक के जरिए सीधा चला जाता है इस आईसी के इनपुट सेक्शन में, मतलब ये आईसी के इनपुट सेक्शन में ये आके एक और कैपेसिटर से, रजिस्टर और कैपेसिटर के नेटवर्क से इसकी इनपुट में जाती है। मतलब यहाँ पे हमको आउटपुट दिया गया है जो यहाँ पे मैं इसको लगा पाऊँ, बट वो होम थिएटर में ये कनेक्शन नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो जम्पर दिया हुआ है, इस जम्पर को निकालना होगा और इस कनेक्शन में ये पॉट को लगाना होगा। इस जम्पर को निकाल देंगे तो ये बेस का कनेक्शन आपको, ये खुला कनेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे जो इसकी आउटपुट और इसकी इनपुट दोनों ही मिल जाएंगे यहाँ पे। तो इसमें इस जम्पर को खोल देना है, उसके बाद इस पॉट को लगाना है आपको, ठीक है। तो ये कैसे लगाए, इस जम्पर को खोल दे, उसके बाद जो इस आईसी से आउटपुट आ रही है वो आउटपुट डायरेक्ट जाएगी, जैसे वॉल्यूम कनेक्ट होता है वो आउटपुट डायरेक्ट जाएगा आपका ये लेफ्ट साइड के टर्मिनल में, ठीक है। उसके बाद ये बीच वाला जो टर्मिनल है इससे जाएगी 20-30 आईसी का इनपुट में, ठीक है, इससे जाएगी इस आईसी का इनपुट में। और ये जो राइट साइड के जो टर्मिनल है ये जाएगी ग्राउंड में, ठीक है। मतलब ये जो आईसी से आके, इस आईसी से आउटपुट आके इसकी लेफ्ट साइड का पिन में जाएगा और राइट साइड का पिन ग्राउंड में जाएगा और बीच में से ये जाके इसकी इनपुट में लगेगी, ठीक है। जैसे वॉल्यूम का कनेक्शन होता है वैसे ही कनेक्शन होगी। फ्रेंड्स, देखिए मैंने वॉल्यूम का कनेक्शन कर दिया जो बेस का वॉल्यूम है, तो इससे आप बेस को कंट्रोल कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे जो जम्पर था उसको मैं निकाल दिया, उसके बाद ये दो कनेक्शन को लोके जो 4558 से आउटपुट आ रही है उसको लगाया इसके लेफ्ट साइड में, ठीक है। ये जो पॉट है इसके लेफ्ट साइड में लगाया 4558 का आउटपुट को, और उसके बाद इसके बीच में से ले लिया इनपुट एक जो जाएगी ये 20-30 का आईसी में, ठीक है। और बाकी जो राइट साइड का पिन है ये चला गया ग्राउंड में। तो ऐसे आप बेस को कंट्रोल कर पाएंगे। तो अभी दिखाते हैं आपको कि बैलेंस कैसे लगाए। तो बैलेंस कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे देखना होगा कि इसमें इस बोर्ड का इनपुट कहाँ पे है। यहाँ पे देखिए जी, आर और एल, ये तीन लिखा हुआ। तो आर और एल है राइट और लेफ्ट दोनों चैनल का इनपुट, और ग्राउंड है ग्राउंड, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, बैलेंस का कंट्रोल लगाने के लिए जो आपका इनपुट आ रही है वो ठीक है, उसको नहीं खोलना है, उसमें बस इसको लगा देना है इसके साथ, ठीक है। मतलब पैरेलल में लग जाएगा। यहाँ पे जो इनपुट है वो तीन इनपुट रहेगी, साथ में आपको इसमें राइट चैनल को लगाना है
इसमें लेफ्ट चैनल को लगाना है, दोनों में दोनों को लगाना है और बीच में ग्राउंड लगाना है। तो ये इसको जब घुमाएंगे तो ग्राउंड एक दो चैनल के पास जाएगा, इधर घुमाएंगे तो इस चैनल के पास ग्राउंड चला जाएगा तो ये चैनल दब जाएगा, और इसको इधर घुमाएंगे तो ये ग्राउंड इधर के साथ चला जाएगा तो ये इधर का स्पीकर दब जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आप स्पीकर का साउंड को बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है, जो इनपुट आ रही है वो इनपुट इधर रहेगी और साथ में इधर भी आएगी। ठीक है, पैरेलल में लग जाएगा ये। और अगर आप चाहते हैं कि शॉर्ट सर्किट को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि जब आप इसको पूरा घुमा देते हैं तो इधर का जो राइट का पिन ये ग्राउंड से शॉर्ट हो जाती है, तो शॉर्ट सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप ये दो चैनल का जो लगा रहे हैं, ये दो चैनल में एक किलो ओम का रजिस्टर लगा दीजिए, एक एक किलो ओम का रजिस्टर इधर, एक एक किलो ओम का रजिस्टर इधर, तो उसके बाद ये आप इसको लगाए तो आपका बैलेंस का कंट्रोल मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गई बैलेंस का कनेक्शन। यहाँ पे ये पॉट के दो साइड में दो एक किलो ओम का रजिस्टर लगा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्ट के लिए। ठीक है, जो बीच में ग्राउंड दिया और दोनों में दो चैनल को दे दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये ग्राउंड है और ये दो चैनल का इनपुट है, ये दो चैनल का इनपुट क्या है एक किलो ओम से इस पॉट में, दोनों में सेम है और इसमें जो इनपुट आ रही थी वो रहेगी, वो कनेक्शन नहीं खोलना है, उसके साथ ही इसको पैरेलल में लगाना है। ठीक है, और इसमें बीच में ग्राउंड लगाना है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये दोनों रजिस्टर क्यों मैंने लगाया, ये शॉर्ट सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब ये जो बीच वाला ग्राउंड है इसको जब घुमाएंगे तो ये बीच का टर्मिनल इसके साथ लग जाएगा, जब पूरा घुमा देते हैं तो ये दोनों पिन शॉर्ट हो जाते हैं। ठीक है, बीच से ये साइड का पिन, तो जब ये शॉर्ट हो गया तो ये इसका इनपुट शॉर्ट हो जाएगी। तो अगर आपका वॉल्यूम फुल है तो इनपुट आपका जो जिस किट से इनपुट आ रही है, मतलब फोन से या फिर ऐसा MP3 किट के जो इनपुट आ रही है किट से, तो वो शॉर्ट हो जाएगी, इसलिए एक किलो हमको लगाया। ये नहीं लगाया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ऐसे आपको बैलेंस का कनेक्शन करना है। तो ये बैलेंस का कनेक्शन आपका किसी भी एम्पलीफायर हो, दो चैनल का किसी भी एम्पलीफायर में काम करेगा। ठीक है, किसी भी बोर्ड हो, वो 6280 हो सकता है और 4440 हो सकता है, किसी भी एम्पलीफायर बोर्ड में ये काम करेगा, दो चैनल में ये बैलेंस का काम करेगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर ऐसा ही वीडियो आप देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।